नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं ऑल स्टेट के लिए। मैं आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी की आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में आना है और इसमें एसएससी को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल साइट में पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रीजन्स दिखाए जाएंगे। दोस्तों, इसमें जो आपका रीजन इसमें सेलेक्ट कर ले, मैं अपना रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ही आपको एक नया इंटरफेस होगा, इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये आपके एक नए एक पेज पर ले जाएगा। वहाँ पर आपको एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर चेक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको एक नई वेबसाइट पर ले जाएगा, इस पर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी के द्वारा निकाल सकते हैं फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ भर के भी। इसके बाद आपके रोल नंबर हो तो रोल नंबर भर सकते हो और फादर नेम डेट ऑफ बर्थ भर सकते हो। और अगले ऑप्शन में आप अपने नाम द्वारा भर सकते हो। मैं अपने नाम द्वारा भर रहा हूँ, मैं इसमें अपना नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपने फादर नेम को सिलेक्ट करता हूँ। फादर नेम को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, अगला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और उसके लिए में मंथ को सिलेक्ट करना और उसके ऑप्शन में ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। इन तीनों चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक सर्च स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस होगा। यही आपका एडमिट कार्ड है, इसमें आपको सारी डिटेल दिखाई जाएगी। ऐसे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।